बिना जिंदगी छ कि कनुक बेरा कि कनुक बेरा इन दिनों लॉकडाउन पीरियड में जब आप घर पे बैठे बोर हो रहे होंगे तो ऐसे में आपका एंटरटेन करने का जिम्मा लिया है न्यूज 31 ने। नमस्कार, न्यूज 31 उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ हूँ ऋतु बसंत। आज हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से आपको रूबरू कराने वाले हैं उत्तराखंड के गीत संगीत के उन सितारों से जिनके चर्चे उनकी कला और प्रतिभा के बल पर आसमान की बुलंदियों पर है। आज के हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ होंगे कुमाऊं के सदाबहार गीत मैं जाछू कमला लागे बाडुली हो जैसे गीतों के साथ ही बागेश्वर की वादियों से होकर देश विदेश में अपनी बांसुरी की धुन से मन मुग्ध करने वाले मोहन जोशी जी। साथ में है आज का दिना हिट ने बटा सिट्टी मारेनी मैं तुमरी चंदा सस कटनी घास खेतों मा और हाई ककड़ी झिलमा जैसे सुपरहिट गीतों के साथ ही पाकिस्तानी राजस्थानी एवं भोजपुरी गीतों को अपने स्वर की माया से सजाने वाली लोक गायिका माया उपाध्याय जी। झूली घटा सिरदा को साथ में है हमारे पहाड़ के महान गायक स्वर्गीय पप्पू कार्की जी के सहयोगी ए फ्वा बागारे दीदी ना जिंदगी छ घुमा सुमा हिमुली चाचरी तारा एक तारा तेरी मुखड़ी माँ बचपना का दीना जैसे गीतों को अपनी आवाज से सजाने वाले संदीप सोनू जी, तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं। आप सभी का न्यूज 31 उत्तराखंड में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं माया जी से जानना चाहूंगी कि आपके संगीत के शुरुआती दिनों में के बारे में आप कुछ बताइए। नमस्कार। शुरुआती दिनों बारे में जैसी मैं यही बता चाहूं कि मेरा जन्म और मेरी जो पढ़ाई लिखाई छे सब दिल्ली में जहर है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं पोस्ट ग्रेजुएशन की और मेर घर जो माहौल छी शुरू बटी अपन बोल भाषण बुलाना छी तो बाबू भै भे हम सब को गीत सीख छी और हम सब गुनगुनते रह छी और कब यो सांस्कृतिक कार्यों में मैं एगोई का मैल गीत गान शुरू कर दी और कब मैं उत्तराखंड दिल में बस गई मका खुद नहीं पता लाग। ओके, तो मैडम आपने फिर सारी संगीत की जो भी आपकी ट्रेनिंग थी वो सारा आपने दिल्ली से किया। हाँ, जो आपने शिक्षा ली अपनी संगीत की, तो मैडम एक गाना गुनगुना दीजिए फिर आप, जो आपका सबसे ज्यादा फेमस रहा हो अपने दर्शकों के लिए। ये बहुत सारा गीत पर एक गीत जो मुझे खुद बहुत ज्यादा पसंद छे मैं हूं आपको सुना लूं और उम्मीद करूं कि आपको पसंद आए। आज का दिन मेरो घर बना आज का दिन मेरो घर फना हो याद लाली मिकेनी तेरे बिना हाँ याद लाली स्वामी जी तुम बिना घुगुतिले खोले लगायो जल चिट्ठी दिया मिके सुवा छंचर मंगल घुट घुटो मिके बाटू नी लगाया घुट घुटो मिके बाटू नी लगाया हो कशी के रोलो इकली तुम बिना हाँ याद आली स्वामी जी तुम बिना। बहुत खूब मैडम, बहुत खूब।
तो अब मैं मोहन जी के साथ जाना चाहूंगी। मोहन जी, आपके बांसुरी वादन की शुरुआत कहाँ से की? सबसे पहले तो मैं जो है नमस्कार करना चाहूंगा और आपको धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप जो है लोगों तक हमारी बात आपने पहुंचाने का एक मौका दिया है ये कोरोना के विषय में। और जहां तक मेरा जो है बांसुरी सीखने का वो था, जो मतलब शुरुआत हुई हमारी वो बचपन से वहीं गांव से हुई और अपने घर से ही हुई। और वहां पे माहौल था हमारा कि जो है पहाड़ी गीत संगीत जो है बजता था, तो वहीं से हमारी शुरुआत हुई। फिर बाद में जो है बांसुरी जो है हम बाजार से लेके आए, फिर उस पर हमने वो गाने भी मतलब जो है उसका अभ्यास करा, उसके बाद फिर ये सिलसिला आगे को बढ़ता रहा। ये बहुत अच्छा। तो आप अपने बांसुरी से जरा सा अपने दर्शकों को सुना देते अपनी बांसुरी की धुन? जी जी, मैं बांसुरी, ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको सुनाऊंगा इसका। जी बहुत खूब। तो आप संदीप सोनू जी, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि स्वर्गीय पप्पू कार्की जी के साथ आप उनके सहयोगी के तौर पर जुड़े रहे, उनके जाने के बाद आपने सहयोग करने के लिए कार्य को संभाला, संगीत से जुड़ाव को लेकर कुछ बातें बताइए। सबसे पहले तो नमस्कार आप सभी का, मोहनदा आपको भी नमस्कार, माया दी को नमस्कार और धन्यवाद न्यूज 31 उत्तराखंड का जिन्होंने आज इस लॉकडाउन के पीरियड में आप सभी से बात करने का मौका दिया। और गीत संगीत तो बहुत अच्छा, अभी उत्तराखंड में सभी बहुत अपने अपने स्तर पे बहुत ही बेहतरीन कर रहे हैं, हमारी संस्कृति बहुत आगे तक मैं कहूँगा कि जा चुकी है और आगे भी और अच्छा कर रहे हैं सभी। तो मतलब मैंने जितना भी जो ये सीखा कहूँगा या फिर जो भी मैंने आज इस संस्कृति को अपने से जो मैंने भी रूबरू कराया है लोगों को, तो बचपन से शौक था गाने का, गुनगुनाते रहते थे, ग्वाला जाते थे पहाड़ में, मेरा पहाड़ी बीता है मेरा बचपन, मेरा पामती मेरा गांव है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट और एक छोटा सा गांव है पामती, वहां का मैं हूं। और फिर उसके बाद पढ़ाई के लिए हल्द्वानी में आए, तो सुनता तो था मैं, लेकिन वो खनक वो लहर वो स्टाइल वो क्वालिटी मुझे पप्पूदा में दिखी। अभी जो है उनके साथ मतलब मेरा सौभाग्य रहा कि उनके साथ मेरे को सीखने को मिला, तो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी थी हमारी और बहुत याद करते हैं उनको आज। उनके गीत जो है बच्चे से लेके जवान से लेके सभी उनके गीतों को पसंद कर रहे हैं। तो आपसे मैं सबसे पहले पप्पू कार्की जी का गीत सुनना चाहूंगी। अच्छा, तो वो बेसिकली उनको न्योली बहुत पसंद थी, वो मुझे भी बहुत पसंद है क्योंकि हम पहाड़ में रहे, तो हमारे वो न्योली, मैं आपको दो लाइन न्योली सुनाता हूं कि ओ रूमाली को ए हल्दी रंगा आ धोबे ने जाना ओ कले जी में ए लागी माया ए बागी रे भे ने जाना। धन्यवाद, बहुत खूब, बहुत अच्छा। तो माया जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी अपने प्रेरणा स्रोत के बारे में बताइए कुछ आप।
स्रोत मेर बौजी जी स्वर्गीय श्री केशव दत्त उपाध्याय जी जी उन्होंने मक ये तो कि हर वक्त गाते रहो यो कैसे डिडली वेदी नी हूँ कैसे डिडली वेदी छी तो मेर प्रेरणा स्रोत सिर्फ और सिर्फ मेर बौजी छे जी। तो आप कितनी उम्र से मतलब आपने गाना शुरू कर दिया था गाना कितने छोटे थे आप जो मक याद छे 4-5 साल एक में छी तब मेरे बाबुल मक एक मधुमती मूवी जो छे वी कैसेट लीवे दे तब कैसेट वगैरह चल छी तो वही की स्टूडियो में लगे थे कि यो गीत तैयार कर लियो वो गीत तैयार कर लियो तो 4-5 साल एक छी तब बटी मैं गीत गान शुरू करे जी। जी माया जी मैंने आपने जो जब आपने गाने की शुरुआत करी तो आपने किस गाने से शुरुआत करी अगर आप थोड़ा सा वो गाना गुनगुना देते यहाँ पर अपने दर्शकों के लिए। उषित जहाँ तक मक याद मैल राजस्थानी गीत है वे शुरू करी पर अपन उत्तराखंड जो पली गीत जो गीतल मक पहचान मिली वो गीत मैं आपको गेवे सुना नू और सब को पता छे घर बारे छोड़ी तू मैं क्या गे छात दोटा घर बारे छोड़ी तू मैं क्या गे छात दोटा सस सोरा के गई ले पड़ी रे डड़ाडा सस सोरा के गई ले पड़ी रे डड़ाडा जल्दी आया घर बांझ पड़ो यो पहाड़ बारे मास रीतु हेरे छे उठ बहाड़ घर बारे छोड़ी तुमी यगे छात दो टार सस सोरा की गई ले पड़ी ले डड़ा बहुत खूब मैम। तो अब मैं जाऊंगी अब मैं जानना चाहूंगी मोहन जोशी जी से गांव के परिक्षेत्र में बांसुरी वादन करने पर परिजनों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया थी। उस पे तो पहले तो हमारे वहां पे ये था कि बांसुरी तो मेरे जो है दादा बजाते थे बहुत अच्छा। समय पहले वो जो हाँ वो जो एक ना जोया मुरली होती थी उसमें दो ऐसे करके होते थे जी। तो उसको बजाते थे उसके बाद फिर काफी समय उन्होंने वो बजाना बंद कर दिया ताकि मतलब मैं जिस समय में मतलब 6-7 साल का या 10 साल का था तो वो भी काफी वृद्ध हो चुके थे तो उन्होंने वो रख दी थी मतलब वो अपने उसमें उन्होंने बंद कर दिया था वो लेकिन वो यही चाहते थे कि बच्चे भी इसको करें आगे को क्योंकि उसपे एक नहीं तो हमारे वहां ये कहते हैं ना इसी के पीछे जो है एक बजाने में ये पागल हो जाएगा अच्छा है नहीं हाँ तो बांसुरी का लेकिन मेरे उसपे ऐसा नहीं हुआ फिर उसके बाद जो है उसके हमने भी मतलब कोशिश करी कि यार ये अगर ऐसे अगर बजती है तो हमें इसको कोशिश करनी चाहिए फिर हम मेले में गए एक बार तो वहां से फिर जो है बांसुरी लेके आए फिर आगे तो वो इसका जो है सिलसिला चलते रहा इस तरीके से रहा। बहुत तो आप एक बांसुरी अपनी बांसुरी की धुन एक बार और सुना देते आप अपने दर्शकों को। जी जी बिल्कुल एक ये इंदर आर्य जी का एक हमारा बहुत ही फेमस गीत अभी आजकल चल रहा है हीरो लहंगा जी 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 हां उनको सुनने का मौका मिल रहा है और आपके स्टूडियो में भी उनसे परसों बात हुई थी हमने भी वो देखा तो बड़ा अच्छा लगा उसी गीत को आपको मैं एक बार सुनाता हूं जी जरूर बहुत खूब बहुत खूब। तो सोनू जी आपको फा वगैरह के गीत के बाद लोगों की प्रतिक्रिया को बताइए किस तरीके से आपको प्रतिक्रिया मिली जब आपने फा वगैरह गीत की शुरुआत करी। सबसे पहले तो इस गीत के महान गायक स्वर की चंद्र सिंह राही थी और हमारे बड़े दादा पप्पू खारगे जी उनकी तरफ से आप सभी का भी धन्यवाद क्योंकि इस गीत के माध्यम से उत्तराखंड को जो पहचान मिली वो सभी दिखता है आज के समय में क्योंकि फा वगैरह गीत गायकी से भी और लेखनी से भी और जो उसका संगीत बना था
बहुत ही पॉपुलर हुआ पूरे उत्तराखंड में और देश विदेशों में इस गीत की चर्चाएं होने लगी, तरह तरह के वीडियोस बने और नीलम चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे को मेरा भी सौभाग्य था कि इस गीत में कुछ चंद लाइन गुनगुनाने का मेरे को भी अवसर मिला, तो मैंने गाया और मुझे संतुष्टि मिली कि हाँ कि मैंने भी कुछ अपनी संस्कृति के लिए किया। हालांकि जो है जब वो ये गाना गाते वो तो उनके साथ कहीं ना कहीं मैं भी टच रहता अगर दादी होते जी। तो ऊपर वाले पर एक ही मेरे को भी एक मौका मिला तो मैंने अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश करी, बाकी तो आप सभी का प्यार मिला इस गीत को जी। बहुत खूब, तो आप एक बार फॉर्म वगैरह गुनगुना दीजिए फिर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बल हुण को बल लाकड़ो करूं था अरे लाकड़ो करूं था बल सिपाहियों का बीच सची विभड़ट पड़ूं था मेरे फाबा करे सची विभड़ट पड़ूं था मेरे फाबा करे अरे बाबलों को साहब लोग को हवलदार साहब सुबदार साहब लेफ्टिनेंट साहब कैप्टन साहब सतुल बतुल परमेश्वर महाराज लेज डोना का बीच मेरे फाबा करे गया लेज डोना का बीच मेरे फाबा करे सची मारी डालो मेरा अरे गढ़ वाले ने बाग लागो गढ़ वाले ने बाग लागो बाग की वाय डर मेरे फाबा करे सची बाग की वाय डर मेरे फाबा करे। बहुत खूब। तो अब माया जी मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, एक लोक गायिका होने के साथ ही क्या क्या चुनौतियां रही आपके साथ? उसी मेरे जीवन में कोई चुनौती तो नहीं रहे, या फिर आप यो कह सकता कि मैं अपन कोई ले कार्य को चुनौती चारी नहीं अपनाए जी जी। मेरे हमेशा यो ही कोशिश रहे हैं कि मैं अपन तरफ वे भल भल काम करते रहूं और अपन पूरी कोशिश करते रहूं कि मैं जो ले करूँ रही वो काम भल तरीकल हूँ रहो और फल जो है कहने वो तो ईश्वर माँ देखूँ रहो वो और अपन आप दीदियल। और जो मेरे यत्तु लाखों दर्शक हैं मेरे पहाड़ी लोग हैं जो मके यत्तु प्यार और आशीर्वाद बनाए धनी मेरे लिए जी वही बहुत है। बहुत खूब। तो माया जी आप एक गाना सुना दीजिए मुझे, कोई आप अगर हिंदी सॉन्ग अगर एक सुना दे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके दर्शकों के लिए। ठीक है, मैं एक हिंदी गीत आप सबको सुना लूँ और उम्मीद करूँ कि आपको पसंद आए। हुणे मेरे को नो नहीं दुख होंदे सैणवे इन्ने गम दिते कख किता नहीं ओ सैणवे हुणे मेरे को नो नहीं दुख होंदे तेरे तेनु मेरी जिंदगी दा आया ना ख्याल वे एहो जेड़ा किता मैनू दिल तेरे नाल वे रो रो पया के दासी दुख साडे कोल वे इन्ने गम दिते कख किता नहीं ओ सैण बहुत धन्यवाद। बहुत खूब। तो अब मैं चलूंगी मोहन जोशी जी के साथ। मोहन जी, संगीत में बांसुरी की भूमिका को आप किस तरह देखते हैं? ये तो एक भगवान का आशीर्वाद मानता हूँ मैं इसको कि ये बांसुरी बजाने का सौभाग्य हमें भी मिला जी। और
हाँ उतने मतलब दूरस्थ स्थान से मैं आया हूँ, तो मैं मतलब अपने को मतलब बड़ा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक आशीर्वाद मानता हूँ भगवान का कि हमको ये बांसुरी जैसा वाद्य बजाने का मौका मिला। इसकी महत्ता तो हमें बाद में पता चली कि ये तो मतलब कितना इसका आध्यात्मिक भी इसका स्तर बहुत ऊंचा है बांसुरी का। जी जी जी। और बाकी हर गीत में, फिर मैंने बाद में थोड़ा सा देखा जो पुराने गीत हैं उनमें भी बांसुरी बहुत ज्यादा है ही, और बाकी जो नए गीत हैं उनमें भी मतलब जो है बांसुरी गायब नहीं हुई है। जिस भी गाने में अगर बांसुरी आप सुनते हो तो कर्णप्रिय ही लगती है, और मेरे को भी ये वाद्य काफी अच्छा लगता है। जी बहुत जी। तो आप भी एक हिंदी की कुछ धुन अगर अपनी बांसुरी से सुना देते अपने दर्शकों को। जी हिंदी में तो बांसुरी में काफी उसकी एक धुन है, वो तो हीरो की धुन है, कोई आपने सुनी होगी जी। हाँ उसकी काफी डिमांड आती है, हम मतलब जहाँ भी शो करते हैं। और दूसरा एक हुस्न पहाड़ों का है हिंदी गीत में। जी 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 जी। हाँ तो हुस्न पहाड़ों का मैं आपको जी जरूर जरूर हुस्न पहाड़ों का सुना दीजिए। तो संदीप जी, जो उत्तराखंडी गीत संगीत आपको किस तरह देखते हैं? उत्तराखंड गीत संगीत अभी तो मैं तो फिर फिलहाल ये कहूंगा कि मैं नया हूं और हमेशा सीखने की मेरी चाहत रहती है, और बहुत अच्छा अभी सुनने को मिलता है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें आ रही हैं जी। तो लर्निंग कर रहा हूं अभी तो सिर्फ। अभी आपके कुछ नए गीत भी आए हैं जैसे दीदी ने जिंदगी छ, तो आप थोड़ा सा वो वाला गाना अगर यहाँ गुनगुना देते न्यूज 31 में अपने दर्शकों के लिए। सात फेरों को सात बचन दिया और एक सुमन, सात फेरों को सात बचन दिया और एक थमन, बगिया में सुंदर फूल खिलो लो हंसी खुशी रोलो साथ निभोलो, बगिया में सुंदर फूल खिलो लो हंसी खुशी रोलो साथ निभोलो, दीदी ना जिंदगी छ दीदी ना जिंदगी छ कि कनु कबेरा कि कनु कबेरा, तेल मेल दिन बितोला हंसी हंसी बेरा, तेल मेल दिन बितोला हंसी हंसी बेरा, दीदी ना जिंदगी छ। बहुत खूब बहुत खूब। तो माया जी आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि नई उभरती प्रतिभाओं को क्या कहना चाहेंगी आप? जो हमारे उत्तराखंड में जतुले नई प्रतिभा उभरू रही उन्हों है मैं योई कौन के अगर गीत संगीत फील्ड में एगे छा तो अपन कदम बिल्कुल पछिन झंधरिया रियाज करते रहा, मेहनत करते रहा, कि लेकिन जो यो मेहनत छिन है जब यो रंग लेने तो बस वो कहाँ तक पूजे दुनी में कहाँ आप नहीं जचा फिर आप पत्त लेने लागू, तो मैं यही कॉल के रियाज करते रहो मेहनत करते रहो और पछिम बिल्कुल ले झन हिटिया कमी मतलब के कनी बहुत सारा संघर्ष तुमको देखने लीजिए मिलिन, बस कोशिश यही करते रहा कि हर सीढ़ी को पार करते रहो पार करते रहो पार करते रहो और मंजिल जरूर तुमको मिल ले। जी बहुत खूब। माया जी आपने बहुत अच्छा संदेश दिया है नई प्रतिभाओं के लिए, और गौर भी करेंगे नई प्रतिभा आपकी बातों को, तब जाके वो भी आप जैसे आज इतने बड़े फील्ड में आप काम कर रहे हैं वो भी जरूर उभरेंगे और अपनी उत्तराखंड का नाम जरूर ऊंचा करेंगे। धन्यवाद। तो मोहन जी, पहाड़ के नवयुवकों का के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो नवयुवक हमारे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
अब देखो ये जो हमारा लोक संगीत है, जैसे अभी जो है ये माया जी ने भी इसके बारे में बताया था, इसका तो कोई मतलब कोई ऐसा है नहीं, मतलब अंत ही नहीं है ये। अब मतलब जो इसको सीखे या चाहे वो हमारे लोग सीखे हैं या चाहे लोग गायकी सीखे हैं, कोई भी अपने लोक संस्कृति के हुनर को सीखे या मतलब जो उसका लोक जो हमारा काव्य है उसको सीखे, जो जैसे पुराने गीत थे होली थी, जी। तो ये अगर जो युवा अभी सीख रहा है, वैसे काफी लोग इस पे अभी प्रयास भी कर रहे हैं, अब लोगों को पता भी चल रहा है जब से सोशल मीडिया से थोड़ा सा लोग आगे रहे हैं, तो लोगों को मालूम भी चला है कि बहुत से कलाकार उभर के आ रहे हैं और हमको एक अच्छा सा फेम भी मिलेगा, तो इस पे मतलब अब जो है काफी लोग आ रहे हैं आगे। जी जी। तो जो लोग हमारे जो हमारे संपर्क में आते हैं या हमसे कोई जैसे कोई चीज पूछते हैं कि जैसे सपोज मैं जो है मतलब मेरा जैसे वाद्य जो है बांसुरी है, जो है काफी लोग मिलते हैं तो मैं उनको सपोर्ट भी करता हूँ इसमें कि इसको कैसे बजाएं और क्या करें, जितना मेरे को थोड़ा बहुत इसके बारे में जानता हूँ। जी बहुत खूब। तो संदीप सोनू जी से मैं पूछना चाहूंगी कि आपको जैसे पता है लॉकडाउन चला हुआ है, कोरोना वायरस जो महामारी हमारे विश्व में फैला हुआ है, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है पूरे विश्व को, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आप लॉकडाउन को लेकर के अपनी दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं लॉकडाउन के लिए ये बोलना चाहूँगा कि सभी समझदार हैं, सभी को बहुत अच्छी अवेयरनेस है अभी, जो कि प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर जो उनके नियम कानून जो बने हैं उसको पूरी तरह से उसको पालन कर रहे हैं, और न्यूज़ में एडवर्टाइजमेंट में हर जगह सिर्फ कोरोना एक शब्द है जो कि हर चीज़ में आ रहा है वो, और उसको बहुत अच्छी तरह से फॉलो कर रहे हैं, तो मुझे लगता है सभी समझदार हैं। और कुछ हैं जो नहीं कर रहे हैं तो उनके लिए मैसेज है कि प्लीज़ अपने लिए नहीं सही तो अपने फैमिली के लिए कुछ तो आप एक अच्छा योगदान दीजिए। पूरा देश बंद है, पूरा विश्व संकट में है, तो इसका मतलब ये कोई छोटा मोटा खेल नहीं है, बहुत बड़ा एक ये अदृश्य महाकाल इसको कह सकते हैं, क्योंकि बिना दिखने वाला एक ऐसा काल है जो कि किसी के कोई अपने पास ले जाने के लिए वो कसर नहीं छोड़ेगा, तो हमें इसका पालन करना है। और बाकी तो सभी अवेयरनेस बहुत अच्छी है अभी सभी पे, ये इतना ही कहना चाहूँगा। जी बहुत अच्छा संदेश है, आपके दर्शक शायद इस संदेश को सुन रहे होंगे, तो मैं उनसे भी अपील करना चाहूँगी प्लीज़ कोरोना वायरस को देखते हुए लॉकडाउन को आप लॉकडाउन के समय अपने घर पर बैठे बाहर ना जाए और घर पे ही एंजॉय करें। न्यूज़ 31 आपको पूरा एंजॉय दे रहा है, नए नए कलाकारों को आपके सामने उभार रहा है और नए पुराने सब, तो मेरा भी अपील है जनता से कि प्लीज़ लॉकडाउन का पालन करें। तो माया जी मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी देश में जो मौजूदा हालात है, ऐसे में लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी आप? पुर जो आप न्यूज़ चैनल माध्यम अलमक सुन हो रही और मैं उत्तराखंड तक हर वक्त देखते रहूँ, आपको हमें मैं एक गुजारिश करना चाहूँ कि जो यह कोरोना छ ने यो मतलब खुद चलबे हम घर भतेर नहीं आते, हम घर पे बिहार जौन हम नानती जैन या बुढ़बाड़ी हम घर हम जोले छ ओ जैन तब कोरोना हम घर हम चल बे आते। तो मैं आप सब हैं भाई अपील करन चाहनो, हमार सरकार जतुल है गाइडलाइन दे रही उनको प्रॉपर तरीके फॉलो करो और हाथ धोते रहो 20 सेकंड तक, मास्क लगा बे बिहार जाओ और यह कोरोना है भाई बिल्कुल बचो, घर भतेर रहो बिहार बिल्कुल नहीं जाओ। जी बहुत बढ़िया संदेश है आपका। तो मैडम मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जो आपका एक गाना था बहुत पुराना है वो गाना, तो अगर वो गाना आप गुनगुना देते, मैं आपको बताती हूँ कौन सा गाना है, मेरे स्वामी मी है गे उदास, मैं चाहती हूँ कि ये गाना वापस से भी सामने आए, तो अगर आप थोड़ा सा वो गाना गुनगुना देते। कोशिश ठीक है जी बिल्कुल आपको सुनो। म्यारा स्वामी मैं है गुदा घर आया परदेस बया, म्यारा स्वामी मैं है गुदा घर आया परदेस मेरी मांगे की लाज धरिया, सुख संपत्ति घर पे जाया, जिंदगी को छा तुम्हें साथ तुम्हारी सलो
न्यारा स्वामी मैं है यूदा घर आया परदेसा बहुत खूब बहुत बढ़िया। तो मोहन जी मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि लॉकडाउन के दौरान इन दिनों आप क्या कर रहे हैं घर पे रह के, कैसे आपका समय व्यतीत हो रहा है घर पे? अब लॉकडाउन में तो हमर हुआ तो आज जो जो भिक्षु पौतिक थी मतलब भिक्षु हाँ। त्योहार थी जी, उसी तो पौतिक लहू एक या ये जो ये द्वारहाट क्षेत्र से तो वहाँ बहुत ज्यादा आज जो मेला लगल थी लॉकडाउन सब बंद आज घर में जो त्यार व्यार बड़ा थोड़ा सा और रत्ता पर बैठ कुछ पूरी बड़ा हलवा बड़ा और जी, 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 खीर बड़े और हाँ नहीं नहीं जो पकवान बढ़ाई तो आज उसमें हम रत्ते वाल जो जो किचन में नहीं रहो दादी तरह बकाई और दिन जो जो दिन फिर हमें नंदिन जो जो दगाड़ में कुछ उनका संगीत अंगीत सुना दी कुछ उन्हें सुना दी कुछ अपन उनको सुना दी और बस ऐसे चलो बकाई कुछ जो जो जस घर पर सामान लेने तो रत्ता हम लोग जब लॉकडाउन खुल रहा है 1 बजे तले तो थोड़ा आसपास जो नजदीक में जब दुकान थे वहाँ पर कुछ सब्जी वब्जी लिए और सुरक्षा ली थी जो संदेश सबने को मालूम थू कि जो जो हाथ नहीं मिलू छू और दूसरा जो छो हम अपन हाथ जो छो बार बार रहन छन और जो दुले जो छो गाइडलाइन छन सबने को मालूम छू तो वीक हम लोग जो छो पालन करनी है। बहुत 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 अच्छा कर रहे हैं आप। तो संदीप सोनू जी एक गाना और सुना दीजिए आप, कुछ अपने दर्शकों के लिए गुनगुना दीजिए कोई। बिल्कुल 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 जी। अभी गीत आए थे घुमा सुमा, मैंने गीत अपने उससे मैंने ही बनाया था तो उसको मैं 2 लाइन सुनाता हूँ जी। ओ मेरी रुमा झुमा हिट छे ठुमा ठुमा कपाल बिंदुली तेरी चमक छि चमा चमा भैर भीतर जन ने हुनी छमा छमा मेरी रूपता बन के ले चुगमा सोमा भैर भीतर जन ने हुनी छमा छमा मेरी रूपता बन के ले चुगमा सोमा खित खित त्यार हसना सुनी छा मिठ बोलना जब देखो मीठ टकनी दिल है जधो थमना खित खित त्यार हसना सुनी छा मिठ बोलना जब देखो मीठ टकनी दिल है जधो थमना हाथ में चूड़िया त्यार पहनी छमा छमा मेरी रूप साबन इले चुगुमा सोमा। बहुत खूब बहुत खूब। तो माया जी इस लॉकडाउन के दौरान आप क्या कैसे अपने समय बिता रहे हैं घर पे रह करके? अच्छा जशी पत्त लागो के लॉकडाउन हनी छे जी जी। तो मैं तो बिल्कुल घर रह गई थी जी। मतलब शुरू शुरू में तो बहुत ज्यादा परेशानी हैगी लेकिन मैं यहाँ दिल्ली में फंस रही सासुर और पति देव हल्द्वानी में जी जी तो बिल्कुल हफ्ता तक तो बहुत परेशानी रहे कि के करूं के नहीं करूं फिर अपन आपको थोड़ा समय दे जी। तो मैं यहाँ दिल्ली में संगीत ले सिखानू नंदिनों के तो मैं अपन ऑनलाइन क्लासेस दिन शुरू कर दी जी, और भी बाद रट्टी रट्टी उठनू थोड़ा एक्सरसाइज कर लेनू सोशल मीडिया जैसे मैं अपन पूरे उत्तराखंड जदुले में दगड़ी लाखों दर्शक में दगड़ फेसबुक में सोशल मीडिया में जुड़ रही उन सबू दगड़ मैं लाइव है जानू और मेरा मकसद यो ही रहो कि भाई सब समय अच्छे तरीके व्यतीत है जाओ और सब खुश रहे। और एक बहुत एक खास बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं मैथ बहन दीदी भूली और मैं भय हम लोग एक मतलब 3-3 दिन एक टारगेट ले लेनू कि आज यो डांस करनो या आज भजन गानी और या कितनी आज यो एक्सरसाइज करनी तो हम 3-3 दिन यो टाइम पीरियड ले अपन परिवार मुझे कॉम्पिटिशन कर लू कि को जीतोल को भल करोल यो सिर्फ ये लीजिए कि सब जो माइंड छे वो डाइवर्ट रोल मतलब हम बिल्कुल कोरोना कोरोना सोच पे अपन माइंड के लिए यो नहीं कर सकुन तो यो पल अपन परिवार दगर हम नहीं छू पर यो सोशल मीडिया द्वारा और उनर जो अहमियत छे वो हम सब को पत्त लाभ रहे और बस खा बनानो कपड़ धुरो सफाई कर लू यो ही सब चलते रहो। बहुत अच्छा। तो मैडम जाते जाते आप एक गाना और गुनगुना दीजिए अपने दर्शकों के लिए।
जाते जाते जशी की माहौल बहुत ज्यादा खराब छ, आप सब को पत छ, तो मैं अपन दर्शको लीजिए कुछ जो माहौल हिसाबल जो कुछ लाइने छ जो मैं लिख रही मेरे पति देवल लिख बे मतलब भेज रही जी, तो वही मैं सुनाओ और कोशिश करूँ कि आप सब जो चीज को फॉलो करना। हाथ खुटे धोमी बेरा तुम जाया घर भीते, हाथ खुटे धोई बेरा तुम जाया घर भीते, कोरोना बीमारी झन लाया घर भीते, कोरोना बीमारी झन लाया घर भीते, 20 सेकंड तक तुम हाथ धो लिया अपने मुखम, तुम मास्क लगे लिया, सोशल डिस्टेंस का ध्यान ले धरिया, एक दो जहे बे दूरी बने लिया, एक दो जहे बे दूरी बने लिया, हाथ खुट धोई बेर तुम जाया घर भीते, कोरोना बीमारी झन लाया घर भीते। बहुत अच्छा संदेश दिया है आपने गाने के द्वारा, धन्यवाद माया जी आपका। तो संदीप सोनू जी आप भी जाते जाते गाना गुनगुना दीजिए अपने दर्शकों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, वैसे मैं भी सोच रहा था कोरोना के लिए, लेकिन कोरोना के उसमें मेरे पास ऐसा कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन एक बहुत खूबसूरत लाइन, क्योंकि अभी कोरोना के लिए जो जंग लड़ रहे हैं वो हमारे जो पुलिसकर्मी हैं और जो डॉक्टर्स लोग जो नर्स वगैरह हैं, ये भी एक बहुत अहम भूमिका मैं इनको दूंगा। तो कुमाऊनी की एक गीत है प्रहलाद सिंह मेहरा जी का, बहुत सुंदर गीत है, उसको मैं 2 लाइन जरूर गाऊंगा। दिन नी देखी रात नी देखी न दुनियादारी, भूला भेर ममता माया मातृभूमि प्यारी, दिन नी देखी रात नी देखी न दुनियादारी, भूला भेर ममता माया मातृभूमि प्यारी, जुग जुग अमर रोलो, जुग जुग अमर रोलो, तुमरो बलिदान शहीद हमारो सशत प्रणाम। बहुत अच्छा संदेश दिया है आपने भी डॉक्टर के लिए, हमारे पुलिस कर्मियों के लिए जो आज हमारे लिए लड़ रहे हैं वो कोरोना से, हमारे लिए वो रात दिन अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। बहुत धन्यवाद संदीप सोनू जी आपका। तो मोहन जोशी जी से मैं भी बांसुरी की धुन से कुछ सुनना चाहूँगी, जाते जाते आपके धुन से भी कुछ निकलना चाहिए, कुछ सुर ऐसे। एक एक जो जो एक बहुत पुराना धुन छू जो कि ये बांसुरी बेट के संबंधित छू जी, और जगह मिखाला सब लोग ने सुनी होना, और स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी जी के वो गीत छू कैले बजे मुरली जी, तो वो मैं सुनू तुम्हें। ठीक है। ये चाहती हूँ कि आप तीनों अगर एक गाना सुना, आप दोनों उनकी बांसुरी में आए और हुड़के में अगर कुछ सुना दे तो, या कोई झूला चाचरी वगैरह ही सुना दीजिए माया जी के साथ। आप जो है मेरी चेली हीरो बना, आप जो है ये गाएंगे हम जी, मेरी चेली हीरो बना, सासु का ताना तबे गए हूं रोका था वह। हाँ हाँ ठीक है, फाइन।
मेरी चली हीरो बना दिलगे चरों का तावा, मेरी चली हीरो बना दिलगे चरों का तावा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप लोगों ने अपना समय हमें दिया जुड़ने के लिए न्यूज 31 के साथ। धन्यवाद। दिना जिंदगी छा दिना जिंदगी छा कि कनुक बेरा